हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे को नए ब्लॉग में। और आज है फ्रेंड्स शनिवार, तो ये मेरा शनिवार का ब्लॉग है। टाइम हो गया सुबह के 4:30 बज गए हैं और मेरे ब्लॉग की शुरुआत भी हो गई है। फ्रेंड्स, उठते के साथ में आ गई हूँ बालकनी में और देख सकते हैं अभी काफ़ी अंधेरा हो रखा है और घर में अभी सब लोग सोए हुए हैं। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी हो रही है, इस वजह से मैं रोज़ 4 बजे उठ जाती हूँ और अपने घर के काम निपटा लेती हूँ। उठते के साथ में ही घर के काम और मेरे चूल्हा चौके के काम शुरू हो जाते हैं। आ गई हूँ मैं बालकनी से सीधा किचन में और यहाँ पे आते के साथ में मैंने गर्म पानी रख दिया है गैस पर, तो उठते के साथ में सबसे पहले पी लेते हैं गर्म पानी और उसके बाद में हम करेंगे बाकी सारे काम। तो काम भी आज बहुत ज़्यादा है, मुझे मलाई से घी भी बनाना है। तो मलाई मैंने रात को जमाई थी फ्रेंड्स, तो वो किचन में ही रखी हुई थी, मैंने उसको फ्रिज में रख दिया है कि वो ठंडी हो जाएगी, उसके बाद में घी निकालने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर गर्म पानी भी हो गया है, मैंने डाल लिया है ग्लास में, तो चलिए आराम से बैठकर पी लेते हैं गर्म पानी। और यहाँ पे क्या है ना, मैंने जाली वाला गेट बंद कर दिया था फ्रेंड्स, क्योंकि मच्छर काफ़ी है ना, तो मच्छर आ जाते हैं। फिर मैंने खोल दिया है दरवाज़ा और अभी तक देखिए काफ़ी अंधेरा हो रखा है। और यहाँ पे मैं पानी पी लेती हूँ, उसके बाद में करूँगी घर की साफ़ सफ़ाई। और अभी सारा मैं करने के बाद में ही आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि फ्रेंड्स रोज़ रोज़ एक ही रूटीन दिखाना, मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी टाइम हो गए हैं फ्रेंड्स 7:15 बज गए हैं। आप सबको सबसे पहले प्यारा सा गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो फ्रेंड्स, अभी मेरा नहाना धोना, घर की साफ सफाई सब हो गया है, बस पूजा करना बाकी है। तो मन की चलो पूजा करने से पहले आप सबसे थोड़ी सी बातें कर लूँ। और मेरे घर में अभी सब लोग सोए हुए हैं फ्रेंड्स, कोई भी नहीं उठा है, देख सकते हैं आप लोग, देख लीजिए कोई भी नहीं उठा है। और मैं उठ गई थी 4 बजे, 4 बजे उठने के बाद में मैंने घर के सारे काम निपटा लिए हैं। और चलिए बाहर का व्यू दिखाती हूँ आप लोगों को, क्योंकि सुबह तो काफ़ी अंधेरा था जब मैंने दिखाया, तो सुबह इतना अंधेरे में कुछ समझ नहीं आ रहा था। बाहर का व्यू काफ़ी अच्छा है, देखें सुबह सुबह पंछियों की चहचहाट सुनकर काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए सुबह सुबह रोज़ दिखाती हूँ आप लोगों को, देखिए रोज़ खिले हुए हैं, अभी इनको तोड़ लेंगे और मंदिर में चढ़ाएंगे, है ना। और अभी सूर्य नारायण जी भी प्रकट हो चुके हैं, देख लीजिए आप लोग, है ना। तो अभी पूजा करके फिर हम जल चढ़ाते हैं, ठीक है, चलिए। और मैंने कान्हा जी को भी नहला दिया है फ्रेंड्स, नहलाने के बाद में अब पूजा करनी बाकी है। ये देखिए अभी नहलाया था मैंने, तो थाली भी यही रखी हुई है अभी। और कान्हा जी को पहना दी है मैंने पिंक कलर की ड्रेस। तो चलिए फ्रेंड्स, मंदिर में दिया वगैरह लगाते हैं, फिर बाद में ब्रेकफास्ट की तैयारी करेंगे, बच्चों को उठाऊंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और तो कुछ नहीं फ्रेंड्स, चलिए करते हैं हम ब्लॉग को कंटिन्यू। कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, आ गई हूँ किचन में और अब कर लेती हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। और अभी तक मैंने बादाम वाला दूध भी नहीं बनाया फ्रेंड्स, क्योंकि बच्चे भी अभी तक सोए हुए हैं, तो मैंने नहीं बनाया अभी तक। और बस मैंने बादाम छील कर पानी में डाले हुए हैं, तो चलिए अभी बना लेते हैं। और आज बहुत सारा काम है फ्रेंड्स, मुझे मलाई से घी बनाना है, घर का राशन भी अभी ऐसे कैसे ही रखा हुआ है फ्रेंड्स, देखे अभी मैंने घर का राशन भी नहीं रखा है। और अभी दूध वाले भैया भी आ गए हैं, तो चलिए दूध ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स दूध भी ले लिया है, बंद कर देते हैं दरवाज़ा और रख देती हूँ फ्रीज में। तो फ्रेंड्स रख दिया है दूध भी, क्या है ना फ्रेंड्स, कई बार ही भूल जाती हूँ, बाहर टंगा रह जाता है, तो एक दो बारी मेरा दूध फट गया था, क्योंकि अभी इतनी तेज़ गर्मी हो रही है ना फ्रेंड्स, तो बाहर दूध रह जाता है तो फट ही जाता है। और दूध रख के फ्रीज में आ गई हूँ, तो चलिए अभी मिक्सर भी लेके आती हूँ, जार तो भी यही रखा हुआ है, तो बना लेती हूँ बादाम वाला दूध। फ्रेंड्स बादाम वाला दूध भी बना लिया है और मैंने ग्लास में भी डाल दिया है फ्रेंड्स, बच्चे भी उठ गए हैं, तो चलिए दे देती हूँ बच्चों को भी और मैं भी पी लेती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए अनुषा भी उठ गई है और अभी नहाया कोई भी नहीं है फ्रेंड्स मेरे अलावा,
तो अभी ब्रश वगैरह कर लिया इन्होंने, तो दूध दे देती हूँ फिर जाएंगे नहाने के लिए। और ये देखें आयुष भी इधर बैठा हुआ है, तो आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, बादाम वाला दूध पी लीजिए। तो चलिए पी लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स पी लिया है बादाम वाला दूध भी, और इधर में मैं कर रही हूँ नाश्ता बनाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊंगी पुलाव। तो पुलाव के लिए मैंने देखिए आलू भी काट लिए हैं, सोया बड़ी मैंने पानी में भिगो दी है फ्रेंड्स, और अभी ये भीगते हैं तब तक मैं काट लेती हूँ खरबूजा। तो देखिए मैंने खरबूजा निकाल लिया फ्रेंड्स, और ये दो हैं इनको मैं फ्रिज में रख के आती हूँ वापस से, इसको धो लेती हूँ पहले। धो लिया है खरबूजा भी और प्लेट में रख लेते हैं फ्रेंड्स और काटते हैं इसको। तो चलो फ्रेंड्स काटते हैं इसको, देखते हैं मीठा है कि नहीं, पर इसमें देखिए होल बना हुआ है कहीं कीड़े ना निकल जाए, देखते हैं काट करके। तो फ्रेंड्स कीड़े तो नहीं है, बिल्कुल सही निकला है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इस तरह से पीस में काट लिया है, और अब इनके नीचे के छिलके भी हटा दूंगी तो थोड़ा खाने में आसानी रहती है ना। तो फ्रेंड्स काट लिए सारे खरबूजे, और ये देखे मैंने नीचे से छिलका भी हटा दिया है। तो आ जाइए आप सब भी खा लीजिए फ्रेंड्स, तो दे देती हूँ बच्चों को। तो फ्रेंड्स खरबूजा भी खा लिया है, और अब मैं चावल निकाल लेती हूँ और धो के डाल देती हूँ टोकरी में थोड़ी देर, तब तक इनका पानी झड़ जाएगा, फिर हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी पुलाव। और आज का लंच में पुलाव ही खाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हो गए फ्रेंड्स 10 बज गए हैं, तब तक तो लंच का टाइम हो जाएगा बनेगा तब तक। तो चलिए ग्लास ले लिया, इससे मैं नाप के चावल निकाल देती हूँ और इनको धो लेते हैं। लगा दिया है फ्रेंड्स, और पुलाव के साथ में बनाया मैंने खीरा प्याज का रायता, तो वो भी मैंने ग्लास में डाल दिया है। तो चलिए खा लेते हैं खाना, और टाइम हो गया है फ्रेंड्स 11 बज गए हैं, और यहाँ पे मैंने मलाई का घी भी बना लिया है। तो देखिए घी बना लिया है मैंने, यहाँ रख दिया है गर्म होने के लिए, तो गैस को बिल्कुल कम कर दिया है, और खाना खा लेते हैं तब तक ये घी भी हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स आप सभी खा लीजिए पुलाव नमकीन चावल, हमारे तो ऐसे नमकीन चावल बोलते हैं इसको, बाकी काफी लोगों ने नाम दे दिया पुलाव, तो हम भी पुलाव बोलते थे इसको। तो चलिए खा लेते हैं, और इसके साथ में रायता है वो बाद में लेके जाऊंगी मैं, तो आ जाइए। तो फ्रेंड्स बच्चों को भी दे दिया है और मैंने भी मेरे लिए डाल लिए, तो चलिए खा लेते हैं खाना और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आप सब भी आ जाइए फ्रेंड्स, और ये लड़की है ना अब नहा के आई है फ्रेंड्स 11 बजे, और गर्मी इतनी हो रही है ना फ्रेंड्स, सुबह कितनी भी जल्दी उठ के मैं काम कर लूँ फिर भी मेरा काम ही ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। काम एक ख़त्म होता है दूसरा तैयार हो जाता है, क्या करें। अभी खाना खा के फिर मुझे राशन का जो घर का राशन रखा हुआ है उसको भी रखना है फ्रेंड्स, बर्तन साफ़ करने हैं, हरी मिर्ची रखी हुई है कल की धुली हुई उनको भी काटना है, अचार डालना है, बहुत सारे काम हैं पर क्या करूँ। चलिए खा लेते हैं खाना फिर देखते हैं कौन सा काम पहले करना है। तो फ्रेंड्स मेरा तो खाना हो गया है, और अभी ये दोनों खा रहे हैं खाना। तो चलिए बर्तन वगैरह साफ कर लेते हैं और करते हैं फिर दूसरे काम की तैयारी। तो ये देखिए फ्रेंड्स बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए हैं, तो पहले बर्तनों को निपटा लेती हूँ और किचन को क्लीन कर लेती हूँ। फ्रेंड्स बर्तन भी साफ कर लिए हैं, किचन को भी क्लीन कर दिया है, और देखिए घी भी हमारा गर्म हो रहा है फ्रेंड्स, उबाल आने लगा है इसमें,
और जब तक घी बनके तैयार होता है तब तक मैं राशन का सामान रख देती हूँ। तो ये बाल्टी मैंने खाली कर दी है देखें, और इसमें जो पहले का सामान था ना एक्स्ट्रा, तो वो मैंने यहाँ निकाल लिया इसकी बाल्टी के ढक्कन में। तो काफी सारा सामान देखे पहले का एक्स्ट्रा भी बचा हुआ है मेरे पास में, और अब इसमें डाल लेते हैं सामान। तो चले फ्रेंड्स सारा सामान डालती हूँ, यहाँ डाइनिंग की कुर्सी पे रख देती हूँ। और ये सारा सामान अभी मैंने निकाला भी नहीं है पन्नियों से बाहर भी। और सामान में देखिए चिली फ्लेक्स है, और ये सरसों का तेल है, मैं सरसों के तेल में ही सब्जी बनाती हूँ, तो मैंने 3 बोतल ली है सरसों के तेल की। और ये हींग है फ्रेंड्स, हींग रामदेव हींग। और इसमें काफ़ी सारे बिस्किट है, पतंजलि है, और बच्चों की फेवरेट बिस्किट जैसे ओरियो, बबंस, काफ़ी सारे जो बच्चों को पसंद है वही सारे बिस्किट वगैरह हैं इसके अंदर में। तो ये साइड में रख देती हूँ। और ये है फ्रेंड्स राजधानी पोहा, तो पोहे के मैंने 2 पैकेट लिए हैं। पोहा है ना, पोहा बिल्कुल ख़त्म हो गया था फ्रेंड्स, इसलिए मैंने 2 पैकेट ले लिए। ये है मैक्रोनी, ये है न्यूट्रेला। तो चावल में डाल के खाते हैं ना, बहुत अच्छे बनते हैं चावल। और ये है जीरा, ऐसे ही मेरे सारे घर का राशन ले आई हूँ, छोटा मोटा सारा सामान। तो चलिए बाल्टी में भर देती हूँ मैं। ये तो सारा किचन का सामान था फ्रेंड्स, और ये है बाथरूम का सामान। तो ये है फ्रेंड्स हार्पिक टॉयलेट क्लीनर, और ये है पाउडर है, अभी गर्मियाँ चल रही है तो मैं पाउडर लेके आई थी फ्रेंड्स, ये रोज़ ज़रूरत पड़ती है पाउडर की। और ये है बजाज आमंड ड्रॉप्स ऑयल है, हेयर ऑयल। और ये मैंने मेहंदी ली है, नेहा मेहंदी है, नेहा। तो मैंने आधा किलो का पैकेट ले लिया है नेहा मेहंदी का भी। और डिटर्जेंट पाउडर है, सर्फ एक्सल साबुन, विम, ये सारा सामान है। तो चलिए ये सारा मैं रख के आती हूँ। तो फ्रेंड्स सारा सामान डाल दिया है, ये देखिए पूरी बाल्टी भर दी है। और इधर में है नमकीन बिस्किट का स्टॉक, ये देखिए पूरा ड्रम भरा हुआ है देखिए। तो चलिए अब इनको रख के आते हैं। तो फ्रेंड्स ये काम भी निपट गया है, सारा सामान भी रख दिया है, और पोहा था, पास्ता था, वो मैंने डिब्बों में डाल दिया है, क्योंकि पोहा भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, पास्ता भी बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने डिब्बे में डाल दिया है फ्रेंड्स। और इधर में घी को अब गर्म होने देती हूँ और बैठती हूँ आराम से। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से, तब तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। फ्रेंड्स शाम के 5 बज गए हैं, आ गई हूँ किचन में, और बच्चे भी सोकर उठ गए हैं। मैं सोती नहीं हूँ, लगी रहती हूँ अपने काम में, और मैं किचन में ही लगी हुई थी। और अभी चाय वगैरह मेरी हो गई है फ्रेंड्स, और इधर में घी को भी गर्म कर लिया है, और अभी ये थोड़ा ठंडा हो गया है फ्रेंड्स, तो इसको मुझे डिब्बे में डालना है, तो मैंने डिब्बा भी ले लिया है। और इधर में मिर्ची जो धो के रखी हुई थी अचार के लिए, ये भी मैंने काट ली है बीच में से। और इधर में तेल भी गर्म कर लिया है अचार डालने के लिए, मसाले भी तैयार कर लिए हैं। नहीं सोती हूँ तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए अचार भी डालूंगी और घी को भी डाल लेती हूँ डिब्बे में। फ्रेंड्स अभी मैं किचन में थी और जादू से देखे कहाँ पहुँच गई हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कहाँ जाके आई हूँ चलिए बताती हूँ आप लोगों को। अभी मैं अपना वोट डाल के आई हूँ, आज इलेक्शन है ना, और सुबह से मैंने अपना वोट डाला नहीं था, तो अभी डाल के आ गई हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स 6 बजे से फिर वोट डालना बंद हो जाता ना, तो अभी डाल के आ गई हूँ अपना वोट, अपना अधिकार। तो चलिए वोट भी डाल दिया है और अब चलते हैं घर में। तो चलिए फ्रेंड्स पहुँच गए हैं घर पे, और अभी किचन का काम बीच में छोड़ के गई थी, तो चलिए फटाफट से निपटाते हैं काम को। और काम से ज़्यादा ज़रूरी था फ्रेंड्स ये वोट डालना, तो वो भी डाल दिया है। और किसको डाल के आई हूँ फ्रेंड्स वोट मुझे भी नहीं पता है। तो फ्रेंड्स आ गई हूँ घर पे, और ये देखिए मिर्चियाँ मैंने कढ़ाई में डाल दी थी, और अभी इनको मिलाया भी नहीं। चलिए मिलाते हैं, अचार को भी डिब्बे डिब्बे में डालेंगे भी, और अभी घी को भी नहीं डाला है मैंने। तो चलिए ये सब काम निपटा लें। मेरे को गर्मी कितनी लगी है फ्रेंड्स। भैया आए थे मोटरसाइकिल से ही छोड़ के गए हैं, लेके भी वही गए थे सुबह से। एक तो पता है मैं अकेली थी ना फ्रेंड्स, तो मन नहीं किया जाने का। और अभी शाम उठी ना, तब से ही मेरा मन कर रहा था मैं वोट डालने जाऊँ, तो भैया आ गए थे लेने के लिए।
यहीं पे हमारे कैंपस में ही रहते हैं, तो भैया खुद ही लेके गए थे और खुद ही छोड़ के गए हैं घर पे। तो जल्दी से आ गई मैं, 10 मिनट में तो घर पे वापस आ गई बोर्ड डाल के, क्योंकि अभी सब लोग डाल चुके थे ना फ्रेंड्स, बिल्कुल खाली था वहाँ पे, तो मैं फटाक से बोर्ड डाल के आ गई। तो चलिए हमारा बोर्ड डल चुका है, और किसको डला है मुझे खुद को भी नहीं पता है, क्योंकि अपना बोर्ड गुप्त होता है ना फ्रेंड्स, किसी को नहीं बताना चाहिए, है ना। तो ये देखिए मेरा निशान। तो चलिए मैं घी को भी डाल देती हूँ और मिर्चियों को भी अच्छे से मिला देती हूँ मसाले और तेल में। तो फ्रेंड्स हरी मिर्ची का अचार भी बना लिया है मैंने, और ये देखिए फ्रेंड्स ठंडा हो गया है ये अच्छे से, तो अब इसको हम डब्बे में डालेंगे। और इधर में मैंने सब्जी भी बना ली है सीताफल की, देखें सीताफल की सब्जी भी हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखें अब रोटियां बनानी बाकी है, और अभी हम गैस बंद कर देंगे। ये देखें सब्जी हमारी पक गई है अच्छे से, गैस को कर देते हैं बंद। और इधर में घी भी मैंने डिब्बे में डाल दिया, पूरा डिब्बा घी से भर गया है, देखिए कितना सारा घी है, शुद्ध घी है ये घर का बना हुआ। तो चलिए ये काम निपट गया है, हम रोटी बनाने की तैयारी करते हैं। हमारा सबका खाना पीना भी हो गया है, और मेरा भी किचन का सारा काम हो गया है, और अभी टाइम हो गया है फ्रेंड्स 10:30 बज गए हैं, और हमारे बच्चे अभी तक टीवी देख रहे हैं देखें। और मैं सुबह 4 बजे से लेके रात के 10 बज गए हैं फ्रेंड्स, काम करते करते पता ही नहीं चला। कितना भी जल्दी उठ के घर के काम करो फ्रेंड्स, सारा दिन लग ही जाता है, काम ख़त्म होने के नाम भी नहीं लेते हैं। अब इतना थकान हो गई है ना फ्रेंड्स, तो अब सोने की तैयारी करेंगे। और आज था यहाँ दिल्ली में इलेक्शन, तो मैंने अपना कीमती वोट भी डाल दिया है फ्रेंड्स, तो सबको अपना वोट जरूर डालना चाहिए, है ना। तो मैंने तो अपना वोट डाल दिया है फ्रेंड्स, और अब चलते हैं फ्रेंड्स आराम करते हैं, काफ़ी थकान हो रही है, पैरों में भी बहुत तेज से दर्द हो रहा है। तो चलिए आज का ब्लॉग हम यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, मेरे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी YouTube फैमिली, गुड नाइट, थैंक यू सो मच वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।